हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार क्लोथिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। कार क्लोथिंग क्या होता है उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। जैसे अपना कार्डिंग मशीन है, उसमें अपन सिलेंडर, डफर, फ्लैट, उसका ऊपर सबके ऊपर अपन शार्प वायर का अपन माउंटिंग करते हैं, जो अपना फाइबर ट्रांसफर के लिए, फाइबर ओपनिंग के लिए और सब में मदद करता है, और फाइबर पैरेलल भी करता है। तो वो कार्ड क्लोथिंग जो होता है वो स्पेशल मेटल में तैयार होता है, जिसमें फ्रिक्शन में खराब नहीं होता या गर्म नहीं होता या ये नहीं होता। और उसका शार्पनेस जब खत्म होता है, हम फिर इसको चेंज कर देते हैं या ग्राइंडिंग करके और कुछ दिन चला लेते हैं। और आज पढ़ेंगे कौन सा कार्ड का वेयर यूज होता है और अपना उसका क्या तरीका है, वो कितना दिन के बाद चेंज करते, उसका अपन क्वालिटी कैसे चेक करते, सारी चीज का अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो कार का है, ये ओयर का मैंने लिखा। ओयर जो है, ये इतना जो है वो रिब है, इसका ऊपर पॉइंट है, और ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है एंगल, कितना एंगल में है, और 1 इंच में कितना पॉइंट है। ये तीन चार चीज जिसको मालूम होगा वो उसका डिस्क्रिप्शन निकाल देगा, ये क्वालिटी का वायर हम इसमें यूज कर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो अपन मार्किंग किए, ए से आर तक किए, बीच पे अपन एक आई नहीं लिखे हुए, वो नहीं लिखा रहता है। तो ए मतलब हो गया एक दांत 1 इंच में, बी मतलब दो, ऐसे ही इसका रहता है, ई मतलब 5 हो गया, ठीक है, और वो ऐसे ही सब है। और आर तक लिखा, आर मतलब 17। जैसे अपन सिलेंडर वेयर लिखे, देखो P20 30 × 0.45, ये सबका अलग अलग मीनिंग रहता है। ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन है, सबका अलग अलग मीनिंग रहता है। पी मतलब हो गया, देखो पी मतलब हो गया 15 टीथ, मतलब 1 छिंच, 1 इंच का वेयर अगर अपन लेंगे, इसको नापेंगे, ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 15 टीथ का दांत रहेगा, 15 टीथ रहेगा। तो ये 20, देखो 20 जो होता है मतलब 2 mm का उसका हाइट है, ठीक है। उसके बाद देखो 30 हो गया एंगल, ये 20 हो गया, 20, हाँ 2 mm का हाइट है, 30 हो गया एंगल × 0.45। 0.45 होता है इसका थिकनेस, मतलब जैसे अपना सिलेंडर का बॉडी है ना, ऐसे देखो सिलेंडर का बॉडी है, ठीक है। इसमें अपन जैसे जैसे वायर डालेंगे, ऐसे वायर माउंटिंग करेंगे, तो ये जो रील होता है, ये इसका थिकनेस, ये जो थिकनेस मतलब 1 इंच के अंदर कितना आएगा, उसी हिसाब से कितना तार आएगा, उसी हिसाब से अपन वायर पर निकालेंगे। अभी देखो, सबसे पहला वाला मैं बता रहा हूँ, 20 20 × 30 × 0.45, ये आएगा PPSI, हो गया 846 का, 846 PPSI के बारे में बता देता हूँ, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, मतलब ये जो अपन माउंटिंग करेंगे ऐसे 1 स्क्वायर इंच का आंसर रहता है, एक जो पॉइंट आएगा, वायर पॉइंट आएगा, ये कितना आएगा, मतलब सिलेंडर में अपना ये डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो 846 का पॉइंट आएगा 1 स्क्वायर इंच में, मतलब इधर से 1 इंच होगा और इधर से भी 1 इंच होगा, ठीक है, वो स्क्वायर इंच हो गया, उसमें 846 PPSI आएगा, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, ये लिख देता हूँ, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये जो मैंने बताया 0.45 पे 846 आया, और 846 कैसे आया बताते हैं, पी हो गया इंडिकेट्स नंबर ऑफ टीथ पर इंच, 1 इंच का वेयर में कितना
धरती रहता है, और वो यहाँ पी मतलब अपना आ गया 15 टीथ पर इंच, वो 20 हो गया, 2 mm हाइट या पैंट, पैंट का हाइट 2 mm का है। उसके बाद देखो 30 हो गया एंगल ऑफ एयर 30 30 का, और पॉइंट फोर फाइव हो गया वेयर रिब थिकनेस इन mm, ये जो मोटाई है तार का, मतलब 1 इंच में 0.45 के हिसाब से कितना लाइन आएगा उससे डिसीजन हो जाएगा। अभी देखो 25.4 mm हो गया 1 इंच, उसमें 0.45 डिवाइड कर दिए, मतलब ये आ गया आपकी 56 वेयर 1 इंच में, ऐसे ही लाइन में लग जाएगा, ऐसे ही माउंटिंग करेगा ना, 56 वेयर 1 इंच में आ जाएगा। और वो 56 वेयर को इसको 15 ने गुणा कर दिए, 1 इंच में 15 तार आता है, ऐसे ही 15 तार 15 दांत आएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे 846.6 हो गया PPSI। ये 846 जो आया ये सिंथेटिक के लिए यूज होता है, सिंथेटिक में ज्यादा ओपनिंग नहीं चाहिए, इसलिए इसमें कम PPSI वाला वायर यूज होता है, 846 चल जाएगा। ये सिंथेटिक चलेगा या PC ब्लेड चलेगा या जो भी, मतलब प्योर कॉटन नहीं चलानी, वो पूरा कॉटन चलानी है तो ये वाला रिकमेंड किया जाता है। इसमें सब सेम है, लेकिन 0.4 का इसका थिकनेस है, मतलब 1 इंच का जब सिलेंडर मतलब उसका ऊपर माउंटिंग करोगे 1 इंच में ज्यादा वेयर आएगा, 0.4 mm हो गया तो 25.4 में 0.4 डिवाइड किया 63 लाइन आ जाएगा वेयर, इसमें 56 आता था, और उसमें उसी हिसाब से फिर 952 का हो गया PPSI। ये जनरली अपन कॉटन के लिए यूज करते हैं 952 वाला, और सिंथेटिक के लिए ये यूज करते हैं। अच्छा कोई कोई समझ लो पी के जगह आर यूज करता है या क्यू यूज करता है, उसी हिसाब से वो आर यूज किया तो 17 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ 15 मल्टीप्लाई किया ना, इसमें 17 हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए वो नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्ड क्लोथिंग का डब्बर का बारे में बता रहा है, मैं दो दो वेराइटी का इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक कटन का एक सिंथेटिक का हिसाब से लिया हुआ, और इसमें 388 PPSI जो दिया पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो कटन की केस में, जैसे फाइन काउंट है तो उसमें ज्यादा पॉइंट वाला भी ले सकते हो। और वो इसमें देखो N40-30x.85 जो डब्बर का वेयर का डिस्क्रिप्शन है, उसमें एल में मतलब आ गया देखो 13 टीथ 1 इंच वेयर में 13 दांत रहेगा उसमें, और वो 40 हो गया 4 mm का वेयर का हाइट है, और 30 हो गया इसका एंगल है, 0.85 mm जो हो गया रिब का थिकनेस है, मतलब ये जो है दो प्रकार का, एन हो गया आपके 13, और एल भी एक आता है, एल 11 दांत का आएगा 1 इंच में, और बाकी एंगल और हाइट सेम है, और ये देखो रिब थिकनेस थोड़ा और मोटा आएगा इसमें, वेयर पॉइंट जो है PPS है और कम आ जाएगा। ये जनरली सिंथेटिक केस में यूज होता है जहां पे ज्यादा आपको ओपनिंग नहीं चाहिए। और देखो उसमें कैसे होता है, एल हो गया नंबर ऑफ टीथ, एल भी हो गया नंबर ऑफ टीथ पर इंच, ये 40 हो गया 4 mm हाइट अप वायर, 30 हो गया एंगल अप वायर, 0.85 1 mm जो होता है थिकनेस ऑफ रिब वायर का मोटाई, मतलब 1 इंच जब ऐसे माउंटिंग करेंगे डबर में तो एक एक तार का जो थिकनेस रहेगा, ऐसे यहाँ थिकनेस ऐसे वायर माउंट करेंगे ना, ये जो थिकनेस रहेगा 0.85 का रहेगा mm का। तो उसी से देखो पहला वाला चीज जो है एन वाला जो है 13 टीथ हो गया, 25.4 हो गया 1 इंच डिवाइड बाय 0.85, बोला 29.88 में 13 मल्टीप्लाई करने का 388 आया PPSI। और दूसरा वाला में 11x25.4 डिवाइड बाय 1, 11x25.4 279.4 280 हो गया PPSI। ये डबर का वेयर पॉइंट के बारे में बताया, उसके बाद हम लिक्विड का, फ्लैट का, और
स्टेशनरी प्लांट का, ये सब तीनों चीज का वायर पॉइंट का पूरा डिटेल बताऊंगा। और सबसे खासियत है वायर पॉइंट का, जो अपन पूरा खत्म करेंगे लास्टली आपको बता दूंगा उसका लाइफ क्या है। स्टेशनरी प्लांट है तो कितना दिन में चेंज होना चाहिए, और वो सिलेंडर डपर निक्रेन सबका मतलब ड्यू कितना दिन में हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ये मैं अगला वीडियो बताऊंगा। ये डपर तक का यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और मेरे को आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नया हो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।